इसमें पिस्टन जो है एक्टिवा बी ए सिक्स में सिलेंडर गेट कामयाब है या पिस्टन कामयाब, पिस्टन कामयाब है कि नहीं है? वेलकम गाइज। गाइज ये है डी ओ बी सिक्स और इसमें क्या दिक्कत आ रखी है, इसमें आ गई है। हमने इसमें 1.5-2 महीने पहले हाफ इंजन किया है तो इसमें पिस्टन इंस्टॉल किया था, तो जानने की कोशिश करेंगे इसमें क्या है। 1.5-2 महीने बाद ही मतलब एक सर्विस हो गया और इसमें इंजन ऑयल जो है वो बिल्कुल सूख गया, ख़त्म हो गया और पिस्टन का साउंड बढ़ गया। नेक्स्ट बार साउंड ही सुना देता लोगों को, लेकिन क्या है इसमें हमने थोटी बॉडी लड़के ने खोल दी है, ये साठ मैंने खोल दी है, तो हम जानने की कोशिश करेंगे इसमें पिस्टन जो है एक्टिवा बी ए सिक्स में सिलेंडर गेट कामयाब है या पिस्टन कामयाब, पिस्टन कामयाब है कि नहीं है, और पिस्टन कामयाब हो तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ का फॉलोअप करना चाहिए, किस चीज़ का ध्यान देना चाहिए जो पिस्टन हमारा प्रॉपर सक्सेस हो जाए। लेकिन इसमें सक्सेस नहीं हो पाया, कहाँ ये इसमें खराद की गलती है, खराद वाली गलती है या जो भी है, उस पर कस्टमर ने हमारे जो है उसने ज़्यादा रफ ड्राइविंग की हो, तो मैं गाड़ी खुलवा लेता हूँ। खुलवा करने के बाद देखते हैं इसमें हमारी जो गाड़ी है पिस्टन का क्या दिक्कत हो रखी है। अब मैं इसका बिल दिखा देता हूँ, इस वक्त अब काम हुआ था और उसके बाद कितनी चली है, मीटर दिखा भाई, इसका मीटर है इसका 32,296, ठीक है। अरे मैं बिल दिखाता हूँ इसका, गाड़ी का नंबर है 984। DL10S ये नंबर, ये ऊपर वाला ही, ये देखो 1/4 यानी कि 1 अप्रैल को काम हुआ इसका, 2185 रुपये बिल था, 31,000 यानी लगा लो ये 2.5 लाख किलोमीटर चल गया है। 2.5 लाख किलोमीटर में ही हमारा जो पिस्टन, अरे इसमें 50 नंबर पिस्टन डला है। फाइनली भाई खुलवा दिए इसको, अब मैं इसका पिस्टन दिखाता हूँ, पिस्टन का क्या हाल रखा है। अब ये 1.5-2 महीने में ऐसा हो गया, अगर देखो तो किस कारणवश होता है, कारण बताता हूँ। 2-3 कारण होते हैं, एक तो हमारी जो बोरिंग है वो प्रॉपर ठीक ना हो जिसके कारण इंजन ऑयल जल्दी खा जाए और ऑयल सूखने के बाद ऐसी समस्या आती है, ठीक है। दूसरा इंजन ऑयल पूरा हो लेकिन गाड़ी के अंदर फिर भी ऐसी समस्या आती है, तब जब कस्टमर इसके पिस्टन में, क्योंकि पिस्टन में कोई भी है हमारे कहा टाई रखते हैं ना मत्तर का, और वो ओवर स्पीड ड्राइव कर दे मतलब कितना 60-70 लगा दे, आगे ज़्यादा एक्सीडेंट कर देगा, तो भी ये समस्या आ जाती है। तो फाइनली हम इसका काम कर रहे हैं, कस्टमर से हमने पैसे चार्ज करने हैं लेकिन कम चार्ज कर रहे हैं, तो इसका मैं इसमें जो वो पिस्टन है वो दिखाता हूँ कितने साइज का है। इसमें डलवाया था मैं 50 नंबर का पिस्टन, 50 नंबर का पिस्टन है, और अभी मैं इसमें 70 नंबर पिस्टन डलवाऊँगा। और आप लोग कभी भी चेक करते हो ऐसी समस्या ना आए आपने ध्यान रखना है, गाड़ी को आप लेते हो कैसा जब आप इसको ड्राइव करते हो तो कभी भी पिस्टन डलवाते हो तो कोशिश करना इसको धीरे चलाएं, रवा करो इन्हें, तो सबसे बड़ी समस्या यही रहती है, ठीक है। इस गाड़ी में सेम ऐसा ही हुआ है। अब इसमें देखो इन क्रैंक का जो है, जो क्रैंक है इसमें प्ले ना हो ज़्यादा, क्योंकि बी एस सिक्स का जो इंजन है इसमें क्रैंक में ज़्यादा दिक्कत आती है। इसमें प्ले तो है, देखो काफ़ी प्ले है, लेकिन कस्टमर का अभी कह रहा है ये इसको मैं सेल आउट करूँगा, इसको ऐसा कर दो जो मेरी गाड़ी फिलहाल जो साउंड है पिस्टन का वो ख़त्म हो जाए और इसको हम इसको सेल आउट कर देंगे, तो हम इसका क्रैंक का काम नहीं कर रहे। अगर इतनी प्ले है तो आपने क्रैंक का काम शुरू करवाना है, नहीं तो आपकी जो स्कूटी है, जो पैसे आप लगाओगे, पिस्टन डलवाओगे, वाल ये सब करवाओगे, तो इसमें सेम एज इट इज़ समस्या आ जाएगी दोबारा। तो अगर मान लें आपने पिस्टन डलवाया और बाद में क्रैंक का साउंड बढ़ गया तो दोबारा फिर इंजन खुलेगा, तो साथ साथ में अपना क्रैंक जरूर चेक करवा लूँगी, ठीक है। और इसमें हमने क्या कहा, पिस्टन देखो, सॉरी वाल, वाल प्रॉपर ठीक है, हम गाइड वाइड सब ओके कर रखे हैं इसके, तो हम इसको नहीं खोल लेंगे, ये मस्त है। तो हम इसको फिलहाल मैं इसको बोर करवा लूँ, फिर दिखाता हूँ पिस्टन कैसा होना चाहिए, तो मैं इसको खराद भेज देता हूँ, आने के बाद कुछ देर में दिखाता हूँ आप लोगों को। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, हमने कहा सिलेंडर बोर होके आ गया, और दिखाता हूँ पिस्टन है GTP का, बोर्ड्स का, सफाई का ध्यान देना है, सफाई प्रॉपर होनी चाहिए। अब दिखाता हूँ सिलेंडर में बोरिंग देख लो इसकी कितनी साफ सुथरी बोरिंग होगी, क्रॉस बोरिंग होनी चाहिए। पिस्टन का जो साइज़ है मतलब क्या, पिस्टन हम यहाँ से डालें, टाइट ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए और ज़्यादा गिरता हुआ भी होना चाहिए, नरम हल्का चलता हुआ, ये देखो उंगली से धक्का हुआ,
इस हिसाब से हमने रखना है इसको। अभी मैंने डाल दिया, बोर करवा दिया है। पिस्टन आप सेम गोड्स मेनले जी टी पे ऊषा जो भी कंपनी है इनके ले सकते हो, ये ओईएम वेंडर कंपनी सब। ये मैं डाल रहा हूँ जी टी पी का गोड्स का। डालने से पहले एक चीज़ का ध्यान देना है, रिंग डाल के चेक जरूर कर लेने हैं। टॉप वन क्रोम का होता रिंग, और ब्लैक जो ब्लैक वाला होता है ये टॉप टू होता है, मतलब दो नंबर वाला रिंग। तो एक रिंग डाल के चेक कर लेंगे इसमें। और जो गैप है पिस्टन रिंग का वो प्रॉपर आगे से पीछे तक रिंग का गैप फैलना नहीं चाहिए, रिंग टाइट नहीं होना चाहिए। रिंग जाम है तो सुन लो, आपका पिस्टन ज़्यादा टाइट है तो उसमें आपने पिस्टन लड़का लूज करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये परफेक्ट है, अब मैं रिंग डाल देता हूँ। ये जाली वाला रिंग, इसका एम बना दो पिस्टन पिन वाली साइड में, जो पिस्टन पिन है इसी साइड में। और जब उन्हें ओ रिंग है, ये जो इनलेट वाली साइड होती है एग्जॉस्ट की साइड में, यहाँ पे सिलेंडर के यहाँ भी डाल दोगे आप। जो आप तरीका अपनाते हो वो भी कर सकते हो, हमें कई रखते हैं यहाँ रखते हैं, एक यहाँ रखते हैं यहाँ रखते हैं यहाँ रखते हैं यहाँ रखते हैं, जो आपका तरीका वो भी बेस्ट है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मैं तरीका अपना रहा हूँ पिछले 15 साल से, ये बजाज का तरीका है। इन दोनों जो ओरिंग होते हैं इस स्टड के सामने, इस स्टड के सामने यहाँ रखता हूँ। अब होगा टॉप टू लिखा हुआ, ये देखो ये लिखा हुआ है जी टी पी। लिखा हुआ ऐसा ऊपर की साइड रखते हुए इनलेट वाली साइड के, और फिर लिखा हुआ जो टॉप वन है क्रोम वाला एग्जॉस्ट की साइड में। अगर बात करूँ तो अब टॉप वन है हमारा एग्जॉस्ट की साइड में, नीचे की साइड में टॉप टू यहाँ पे है इसे सेंटर में, और ओरिंग के हैं एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ये ऐसे जाली वाला रिंग पिस्टन की साइड में, कोई सही साइड में भी। और जो इसमें पिस्टन रिंग का इसमें जो होता है टेप क्लीयरेंस वो भी अलग है, तो वीडियो में बने रहना, पूरे प्रॉपर बताऊंगा कितना टेपर क्लीयरेंस होना चाहिए। टेपर क्लीयरेंस इसके अकॉर्डिंग नहीं छोड़ोगे तो दिक्कत आओगी। भाई ये मैग्नेट का जो लाइन है ये इस लाइन से टाइट होगा, ये यहाँ पर ये रहेगा, ये आपस में मैच करके पिस्टन टॉप पे होना चाहिए। और टॉप पे करके ये दोनों लाइन है ये हेड के फेस में इसमें होनी चाहिए, तो ये अपने वाल टाइमिंग है। ओके करके अब लगाते हैं इसकी बोल्ट टाइट कर देना। इसके बाद वैसे अब करते हैं इसके जो टैपेट के लिए सेट, ये इनलेट है ये एग्जॉस्ट है, पिस्टन टाइप टॉप को होना चाहिए, यानी कि वाल टाइमिंग मैच पोजिशन को होना चाहिए। तो इसमें 0.08 mm होगा इनलेट में। आप पुराना एक्टिवा जो एक्टिवा 3G 4G 5G वो नहीं रखना है, तो हल्का ये ऐसे चलते हुए देखो, ये ऐसे चलते हुए तो हमारा परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये हो गया 8, अब 25, ये दो लेने हैं 15, 10, 25। कभी उसमें आप इस तरह से ओके होगी, ये 25 और ये 0.25 mm, ठीक है। तो फटाफट इसको फिट करते हैं, एग्जॉस्ट मैंने दिखा दिया, वॉल टाइमिंग हो रहा है और गाड़ी का साउंड सुनाते हैं हम लोगों को। हाल ही गाइस स्कूटी मस्त हो गई है, जो अपने DO BS6 स्कूटी थी। ये चीज़ का ध्यान रखे, कभी भी इंजन का काम करवाते हो तो जो ऑयल पंप का सर्कुलेशन है वो जरूर चेक कर लेना। गाड़ी मस्त हो गई, बड़े बड़े पिकअप है, और साउंड सुनाता हूँ आपको। हाँ इसमें गियरबॉक्स का साउंड बहुत ज़्यादा है, स्कूटी 32,000 किलोमीटर चली है लेकिन जो साउंड होना चाहिए इंजन का वो ख़त्म हो चुका है। ड्राइविंग जो रखी नहीं इसमें, मतलब गाड़ी की जो वो देख रेख, मतलब वो होती है देख रेख नहीं हो रखी इसकी, तो इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखी है स्कूटी में। इंजन के जो गियरबॉक्स का साउंड है वो अच्छे ज़्यादा इसमें, ठीक है। बाकी पिस्टन इसमें 100%
चलेगा, अगर कस्टमर प्रॉपर इसको रवा कर लेगा तो ठीक है, रवा नहीं कर पाएगा तो दिक्कत आ नहीं आ रही है। ठीक है, बाकी गाइस ये वीडियो कैसी लगी जरूर कर बताना कमेंट करके। और आज मेरा गला खराब होने के कारण काफ़ी मैं थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। अब आने वाले टाइम में रेगुलर वीडियो डालेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।